स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका पिछले दिन कंप्लीट हो चुका है। अब आप सेकंड एक्सरसाइज चल रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट के, आप इनको इस रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको एक रूल लिखाया गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपका होगा कि व्हेन बेसिस आर सेम देन वी नीड टू एड देयर पावर्स। ओके, सो फर्स्ट में जो आएगा नेक्स्ट स्टेप होगा 5 power 4 plus minus 10 and plus minus 2, okay? And equals 5 power, इसे हम ऐड कर लेते हैं। 10 and 2 को ऐड करके कितना आएगा 12, and 12 में 4 माइनस करेंगे 8, 5 power minus 8, okay? अब अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही पूछा गया है तो आपका यही रिजल्ट रहेगा, देयर इज नो चेंजेस। अगर क्वेश्चन में कहा गया है एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करिए तो पिछले साथ जैसे बताया उसे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको इवेलुएट करिए, मीन्स इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप इस 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन 5 का 8 टाइम्स मीन्स 5 का 5 से 8 टाइम्स, ओके, मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है इस टाइप क्वेश्चन आया, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पर हमें 4, ये भी 4 है, ये a है और ये b है। पहले हम चेक कर लेने हमें चेक कर लेना है कि सभी सेम है कुछ कि नहीं। एक काम करते हैं, सभी प्राइम नंबर्स में है नहीं, तो यहाँ ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 square, ओके, एंड पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई b पावर माइनस 4 अपॉन 2 square पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई b क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हम जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ आइडेंटिटी या रूल जरूर लिखेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n। ओके, अगर आप रूल्स नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स लेस हो सकते हैं। ओके, यहाँ सिंप्लीफाई करते हुए नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, हो जाएगा 2 power 2 3 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई b पावर माइनस 4 अपॉन 2 power minus 10 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई b पावर 7। यहाँ देखिए, हमने एक रूल का यूज किया है, इसलिए a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n, इसे जरूर लिख देंगे। ठीक, अब अगले स्टेप में करते हैं, ये 2 2 a a बेसिस चेक कर लेते हैं, और दोनों डिवीजन में है तो हम क्या कर लेंगे, डिवीजन वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 2 power minus 6 plus minus sorry डिवीजन माइनस होता है माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 5 माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई b पावर माइनस 4 माइनस 7। ओके, सॉल्व करते हुए हम पाएंगे कि ये जो वैल्यू होगी माइनस 6 और ये प्लस 4, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई a पावर 3 मींस a क्यूब और ये b पावर माइनस 11 हो जाएगा। ओके, या इक्वल 2 पावर 4 मल्टीप्लाई a क्यूब अपॉन b पावर 11, इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ अब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल n है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ भी वेरिएबल n है, थर्ड क्वेश्चन में वेरिएबल x है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ देखते हैं कि a पावर m होल पावर n, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1/3 होल पावर 4n। ओके, इक्वल्स इस दूसरे साइड में बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, बेस को सिंगल और पावर को सम करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 होल पावर 2 plus 18 यहाँ आ जाएगा 1/3 होल पावर 4n इक्वल्स 1/3 पावर 20। ठीक, अब आप दोनों ही साइड देख रहे होंगे, 1/3 बेस में है, ठीक,
अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, ठीक। उसी तरह से अगर पावर सेम रहेंगे तो हम बेस को भी कंपेयर करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या करेंगे यहां पे, कंपेयर पावर्स। ओके, व्हेन वी कंपेयर पावर्स वी गेट 4x इक्वल 4n इक्वल 20 और n इक्वल 5। आप इक्वेशन पिछले क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो 4 को हम ट्रांसपोज कर दिए हैं, 20 से 20 को 4 डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर बी -7 पावर 2n डिवाइड बाय -7 क्यूब इक्वल -7 पावर 3 मींस क्यूब। ओके, यहां कंप्लीट करते हैं। जो हम कंप्लीट करने में पाएंगे कि बेसिस आर सेम, सो वी नीड टू सबट्रैक्ट देयर पावर्स। ओके, सो -7 होल पावर 2n -3 इक्वल -7 क्यूब। वी गेट हियर बेसिस आर सेम सो कंपेयर पावर्स। ठीक, कंपेयर करते हैं तो आ जाएगा 2n -3 इक्वल -3 प्लस 3। ठीक, 3 को ट्रांसपोज किए, 3 को ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू जो आएगी 2n इक्वल 6 आ जाएगी, क्योंकि 3 प्लस में आ जाएगा एंड इंप्लाइज दैट n इक्वल आ जाएगा 6/3 और ये सेकेंड का रिजल्ट होगा। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये करते जाना है। जैसे यहाँ हमने केवल सी आइडेंटिटी यूज की, कौन सा वाई यूज किया, ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन इक्वल ए पावर एम माइनस एन, तो ये नोट कर देना है। यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया था, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल ए पावर एम इंटू एन, तो ये भी लिख देना है। और इसके बाद दूसरे साइड भी हमने सॉल्व किया, यूज किया था ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इक्वल ए पावर एम प्लस एन। तो जो भी आप लॉ यूज करते जाएंगे वो साइड में लिखते जाएंगे कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पावर -2 मल्टीप्लाई 4 पावर -2, यहाँ ध्यान से हम देखेंगे तो पाएंगे पावर्स आर सेम इन दिस क्वेश्चन। व्हेन पावर्स आर सेम देन वी नीड टू मल्टीप्लाई देयर बेसिस। सो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 होल पावर माइनस 2 एंड पावर -3 इक्वल 12 पावर एक्स, 4 3 12 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे -2 मल्टीप्लाई -3 इक्वल 12 पावर एक्स। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ए पावर एन होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम इंटू एन। सिमिलरली हम पाएंगे 12 पावर 2 3 6 प्लस 6 इक्वल 12 पावर एक्स, यहाँ भी बेसिस सेम है। सो कंपेयर करने पे हमें x की वैल्यू 6 मिलेगी। अगले क्वेश्चन में आपको सिंपलीफाई करना है या इवैल्यूएट करना है, जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को कभी नहीं छोड़ना है। जो भी रिजल्ट आएगा आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में आपका आंसर आएगा, उसमें कन्वर्ट कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 10 पावर 0 प्लस 100 पावर 0 प्लस 1000 पावर 0 एंड वी हैव एन आइडेंटिटी ए पावर 0 इक्वल 1। सो स्पेशली ए इज नॉट इक्वल 0, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दूसरे टर्म की वैल्यू भी 1, तीसरे टर्म की वैल्यू भी 1 और इसका रिजल्ट क्या जाएगा 3। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन है और इसमें हम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व हो जाए। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड है 10 पावर -5 मल्टीप्लाई 9 पावर -4 अपॉन 2 पावर -4 मल्टीप्लाई 15 पावर -3। ये पूरा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, एक सबसे पहले हम मैं पहले बता रहा हूँ बेसिस चेक कर लीजिए प्राइम्स हैं या नहीं। तो यहाँ बेसिस पे ये कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर -5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड होल पावर -4 अपॉन 2 पावर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर -3। ओके,
In next step, 2 power of minus 5 multiply 5 power minus 5 multiply 10 power 3 power 2 4 जा 8 minus 8 अपन रूस साइड में लिखते जाएंगे 2 power minus 4 multiply 3 power minus 3 multiply 5 power minus 3 ओके अब हम क्या करेंगे हमारा पहला काम क्या होना चाहिए जो बेसिस सेम है उनको सामने सामने कर लें ठीक तो यहाँ हम 5 power minus 3 कर देते हैं और यहाँ 3 power minus 3 कर देते हैं ये बेसिस सेम हो जाएंगे सामने सामने हो जाएंगे तो हमें आसानी होगी नेक्स्ट स्टेप के लिए अब क्या करेंगे ये टर्म डिवीजन में है ये टर्म डिवीजन में ये टर्म भी डिवीजन में ये हो जाएगा 2 power minus 5 एंड माइनस माइनस 4 मतलब 5 power minus 5 minus minus 3 and multiply 3 power minus 8 minus minus 3 okay so next step 2 power minus 5 plus 4 we get minus 1 take minus 5 plus 4 we get minus 1 multiply 5 power minus 5 plus 3 we get 5 power minus 2 multiply 3 power kya aayega 3 पावर माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आ जाएगा 3 पावर 5 नेगेटिव इतना कंप्लीट करने के बाद आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पावर 5 ओके इक्वल इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं सिंपलीफाई करने के बाद कितना आएगा 5 5 25 25 टू द 50 और 3 क्यूब मींस 3 3 9 और 3 20 7, 27, 81, 81, 3, 243 243 मतलब लेते हैं 0 आएगा 5, 3, 15 कैरी 1, 5, 5, 20 एंड 21 5, 2, 10, 10, 2, 12 क्या जाएगा 12, 1, 50 12, 1, 50 ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा ओके फिर बी नंबर कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं नंबर सी पर क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सी के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना होगा इसकी वैल्यू फाइंड करने की एटलीस्ट पावर जीरो है तो हमें पता है कि आंसर वन आने वाला है फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे यह जाएगा 3 पावर माइनस 7 एंड माइनस माइनस 10 ओके इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि बाहर डिवीजन है तो डिवीजन 3 पावर माइनस 5 यू गेट 3 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर माइनस 5 होल पावर 0 इक्वल्स 3 पावर 3 माइनस माइनस 5 इक्वल 3 पावर 8 एंड होल पावर 0 एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 3 पावर 0 एंड दिस इज 1 ओके लास्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 ओके इक्वल्स इन नेक्स्ट स्टेप यहां लिखेंगे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू 5 पावर माइनस 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 2 इंप्लाइज दैट हम इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 2 इक्वल 5 पावर 2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स 5 पावर 0 यू गेट 1 ओके इस तरह से आप सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा कि बगल में जो भी आप आइडेंटिटीज या रूल्स यूज कर रहे हैं उनको नोट करते जाएंगे स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल फाइंड करनी है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह की हमको आइडेंटिटी हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x इक्वल 192 जो भी पॉसिबल हो सकता है वही हम करेंगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों में 2 पावर x कॉमन है 2 पावर x कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 192 ओके इसके बाद 2 पावर x मल्टीप्लाई 3 इक्वल 192 192 3 से डिवाइड होगा या नहीं तो 9 2 11 1 12 एब्सोल्युटली 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 पावर x इक्वल
192 अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए इससे, 2 पावर x इक्वल क्या हो जाएगा, फिर 6 18 3 4 12 और 64 को हम क्या कर सकते हैं, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32 32 64 लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 पावर x इक्वल 2 पावर 6। एंड अब देखिए ध्यान से बेसिस सेम हो गया, सो x इक्वल 6 इज आंसर। ओके सेकंड क्वेश्चन में 5 पावर x प्लस 5 पावर x माइनस 1 इक्वल 750 लिखा हुआ है। आप जैसे फ्रैक्शन में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं इसी तरह इसे भी सॉल्व कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, 5 पावर x प्लस 5 पावर x अपॉन 5 पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो a पावर m माइनस n, तो m माइनस n से क्या हो गया है, बैकवर्ड कन्वर्ट हो गया है। ओके इक्वल 750, इन दोनों से हम 5 पावर x अब कॉमन ले सकते हैं, 5 पावर x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल 750 इंटू 5 पावर x इंटू 5 अपॉन 5 इक्वल 750, 5 पावर x इक्वल 750 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 डिवाइड कर देते हैं क्या आ जाएगा, 5 पावर x इक्वल 6 1 जा 6 और 1 आया 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 5, 5 पावर x इक्वल ये 5 क्यूब ऑलरेडी है 5 पावर 4 हो जाएगा एंड कंपेयर तो हमें मिल जाएगी x इक्वल 4, दिस इज अवर रिजल्ट। ओके क्वेश्चन नंबर C एंड D, ये दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दो क्वेश्चंस के बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे साइंटिफिक नोटेशन भी बताऊंगा, किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में छोटे नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर C देखते हैं, a पावर माइनस 3 मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। ओके यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका क्वेश्चन होगा, सेकंड स्टेप में कंप्लीट कर रहा हूँ, माइनस 3 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई b पावर माइनस 4 माइनस माइनस 3 ओके इक्वल ए बी पावर x 3 a पावर ये हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बी पावर बी माइनस 1 ओके इतना कंप्लीट करने के बाद ये हो जाएगा a b होल पावर x, तो यहाँ आ जाएगा a b होल पावर माइनस 1 इक्वल a b होल पावर माइनस x सॉरी x। अब दोनों में बेसिस सेम है, वंस अगेन सो x इक्वल माइनस 1 ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक क्वेश्चन नंबर डी में आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 को आप 3 लिख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल 125x, वी कैन से दैट दिस इज 9 प्लस 16 इक्वल 125 पावर x और 25 इक्वल हम 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब होल पावर x, इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर ओके 5 स्क्वायर इक्वल 5 पावर 3x। ठीक अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा, सॉरी 3x इक्वल आएगा 2, तो x इक्वल 2 अपॉन 3